जिन लोगों ने इस किताब को ये अंजाम आज दिया है, मेरे सामने बैठे हुए सभी सज्जनों, हमारे रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर, पुलिस अधिकारी, भाइयों बहनों, मीडिया के इतने मित्रों, मैं आपको ये थोड़ा बताना चाहता हूँ। डॉक्टर कासिम इमाम ये कह रहे थे कि इस किताब की शुरुआत कैसे हुई। वैसे तो मेरा समय, ज्यादातर समय अमिताभ जी का समय डॉक्टर सुहेल लोखंडवाला ने लिया, 5 मिनट से टाइम था, वो 24 मिनट पहले बोले। प्रिंसिपल होकर के टाइम का ऐसा उन्होंने दुरुपयोग किया, पर उनको अधिकार था तो इसलिए उन्होंने किया। अभी श्री जावेद अख्तर जी ने बात कही कि इंसान जितना अच्छा आज है शायद पहले से अच्छा है, पहले इंसान शायद इतने अच्छे नहीं थे। इस दौर में तरक्की के अंदाज निराले हैं, इस दौर में तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरा, सड़कों पर उजाले हैं। आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, आदरणीय जावेद साहब, कहने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है मुझे। ये जावेद साहब न केवल राज्यसभा के सदस्य हैं, एक प्रख्यात लेखक भी हैं, लेकिन मैं इन्हें अपना एक बहुत ही अजीम मित्र मानता हूं और हमेशा मानता रहा हूं। और उस बात को कहने में मुझे जरा भी कष्ट नहीं हो रहा है कि मेरे फिल्मी जीवन में और इस सफर में अगर किसी का सबसे महत्वपूर्ण हाथ रहा है तो वह जावेद साहब का रहा। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, टीवी और सज्जनों, मुंबई पुलिस और माइनॉरिटीज एजुकेशन फाउंडेशन को अपना मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे आज यहां आमंत्रित किया और अवसर दिया कि तलाश इंसान की पुस्तक और उसके लेखक डॉक्टर सतपाल सिंह जी के बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकूं। इससे पहले कि मैं उस ओर जाऊं, मैं कहना चाहूंगा कि मैं मुंबई पुलिस को और डॉक्टर सतपाल सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मेरी उपस्थिति आज यहां हो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, फिल्मों से जो लोग संबंधित होते हैं उनके ऊपर एक अजीब सी नजर लगी रहती है हमेशा, और कहा जाता है कि ये समाज को बिगाड़ते हैं। कुछ हद तक इसका इतिहास भी इसी तरह है। 50-60 साल पहले अगर आप मुझसे पूछेंगे तो देखेंगे कि एक थोड़ा सा विरोध होता था अच्छे घरों में, जब वहां के जो बच्चे थे वो फिल्मों में दाखिला मांगते थे या उसे देखना चाहते थे। मैं स्वयं भुगता हुआ हूँ इसे कह रहा हूँ, क्योंकि अपने बचपन में जब भी कभी कोई फिल्म देखनी हो तो माता पिता जो थे वो पहले जा करके उसका मुआवजा करते थे और उसके बाद जाकर के अनुमति मिलती थी कि हम उस फिल्म को जाकर के देख सकते हैं या नहीं। आज इस मंच पर आपने मुझे बुला करके मुझे बहुत गर्वान्वित किया है और मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं। राह चलते से ही खुलेगी, सबके अंतर में एक ज्योति है, उसे जगाए रखना है, फिर उस लौ में जीवन को लगाए चले चलना है। चलता जा, राह का अंत न नाप राही, तुझे तो चलना ही चलना है। प्रस्तुत पंक्तियों की सार्थकता
और उसका संपूर्ण निर्वाह यदि देखना व परखना हो तो उसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है डॉक्टर सतपाल सिंह। और उन्हीं के हाथों की रचित उनकी अनुपम कृति तलाश इंसान की, वैदिक युग से लेकर के वैज्ञानिक युग तक, सूरज से लेकर सागर तक और धरती से लेकर अंबर तक की व्याख्या एक निर्भीक व संवेदनशील पुलिस अधिकारी की कलम से बहुत ही सहजता से बह चली है। प्रस्तुत कृति चार तरह के भावों के विचारों की अभिव्यक्ति इस तरह करती है जैसे जीवन के चार पुरुषार्थ। प्रथम खंड जो है रास्ते की तलाश की यात्रा, अंधेरे से उजाले तक की यात्रा है। इस यात्रा में लेखक सत्यपाल जी पाठकों से साक्षात करते हुए पूछते हैं कि चलते रहो, चलने से ही मधु मिलता है। पर दोस्तों, चलते तो सभी हैं, फिर दुनिया में अंतर क्यों, दुख और अशांति क्यों, मार काट और दंगे क्यों? और ये पाठकों के सामने बहुत से प्रश्न चिन्ह छोड़ जाता है और उसे विवश करता है कि यह सोचने पर कि अर्थपूर्ण जीवन उन मूल्यों में है जिनको शायद हमने बिसार दिया है। लेखक सत्यपाल जी ने बड़ी सहजता से वेद दर्शन परिषद और भगवद गीता के संदेश को अपनी इन पंक्तियों में समेट लिया है कि जिसने मृत्यु को जान लिया उसी ने जीवन को समझा, जिसने मौत को याद रखा उसी ने जिंदगी जीने की अदा जानी। वैदिक धर्म के साथ साथ सतपाल जी पारसी, उर्दू, बौद्ध, जैन, ईसाई, इस्लाम, सिख धर्म की चर्चा करते हुए एक साध प्रस्तुत करते हैं कि हर धर्म शांति, सहिष्णुता, प्रेम व मानवीयता का ही संदेश देता है। उनकी प्रतिबद्धता किसी एक विचार, किसी एक व्यक्ति या किसी एक धर्म से नहीं है, बल्कि समूचे जीवन में समस्त मानव जाति से। कृति के दूसरे खंड जो है उसका शीर्षक है इंसान की तलाश में। इसी संवेदना की अभिव्यक्ति हुई है जिसमें लेखक पूरी तरह प्रासंगिक नजर आता है। मानव निर्माण के साथ ही साथ प्रकृति के निर्माण की चिंता भी लेखक को व्यथित करती है। हम मनुष्यता की रक्षा के लिए धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं। सतपाल जी के लेखन के मूल में वो धर्म निरपेक्षता है जो साथ चलने व साथ पलने में विश्वास करती है। और उनका यह विश्वास है कि भाषा, वर्ण, वर्ग की सारी भिन्नताओं के बावजूद इस देश का मानस एक है और हमारी राष्ट्रीयता व देशभक्ति हमारी सांझी संपत्ति है। उन्होंने अपने पुस्तक में ये लिखा, जो मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, हालांकि सतपाल जी ने उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन किया था अपने भाषण में। वो कहते हैं कि क्या अजीब बात है, इतने धर्म, इतने महापुरुष, इतने गुरु, इतने धर्म ग्रंथ, इतने तीर्थ स्थल, फिर भी इंसान सही रास्ते की तलाश में परेशान है। और यहां पर उन्होंने फिराक साहब की एक शब्दों से बताया है कि हजारों हिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, हजारों हिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। डॉक्टर सतपाल जी के शब्दों में सुरक्षित एवं व्यवस्थित समाज की तलाश दुनिया में उतनी ही पुरानी है जितनी कि स्वयं मानवता और मानव की सभ्यता। रचना के तीसरा खंड जो है वो सुरक्षा की तलाश में, इन्हीं भावनाओं व विचारों को उसमें उकेरा गया है, जिसमें राम राज से लेकर के आतंक राज व सुरक्षा व शांति के प्रमुख जिम्मेदार पुलिस की भूमिका का बयान किया गया है। इस तरह इस खंड के पुलिस की छवि
उसकी समस्याएं, देश के कानून, कोर्ट, जेल, पुलिस सेवा की अपनी सीमाओं पर लेखक की दृष्टि गई है और अपराध व भ्रष्टाचार के कारणों का खुलासा करता सा प्रतीत होता है। उनका कहना है कि मित्रों, आओ सुरक्षा के इस पवित्र यज्ञ में हम समर्पित भाव से अपनी आहुति दें, समर्पित भाव से अपनी आहुति दें, अन्यथा आगे जाना या आगे आने वाला कल हमें माफ नहीं करेगा। अंतिम में चतुर्थ खंड का शीर्षक रखा है स्वर्ग की तलाश। यहां डॉक्टर सतपाल जी विभिन्न धर्मों के माध्यम से स्वर्ग को परिभाषित करते हैं, साथ ही यह भी कहते हैं कि निसर्ग में ही स्वर्ग है, निसर्ग में ही स्वर्ग है। उन्होंने स्वस्थ शरीर को भी स्वर्ग की संख्या दी है, जिसे सात्विक आहार व योग साधना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उनका मानना है कि स्वर्ग और नर्क ये दोनों इंद्रिय निर्मित हैं, इंद्रियों को जीतना ही स्वर्ग है और न जीतना ही नर्क है। इसके साथ ही देश के विकास के लिए, देश को स्वर्ग बनाने की प्रक्रिया के लिए, विज्ञान, तकनीकी व शिक्षा के क्षेत्रों में भी निरंतर विकास के लिए वो कटिबद्ध हैं। सुरक्षित व भय मुक्त समाज डॉक्टर सतपाल जी की प्रमुखता रही है। भाषा शिल्प की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये रचना अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो इसलिए कि भाषा में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तथा उर्दूपन की ममक या गमक कहा जाए पाठक को जिंदगी और रचना के निकट ले आती है। इतने बड़े प्रयास में कुछ त्रुटियां खोज लेना सरल है, और लेखक ने अथक परिश्रम कर जिस तरह स्वयं अपनी क्षमताओं को मूल्यांकन किया है, उससे जो कुछ शेष प्राप्त हुआ है वो अपनी कृति के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करके बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है। अंत में मैं उन्हीं की पुस्तक में लिखे हुए कुछ शब्दों से अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि चाहे किसी के पास कितना भी ज्ञान हो, धन हो, ताकत हो, पर यदि वो दूसरों के काम नहीं आया तो वो सब बेकार है। और वो कहते हैं कि कितना कितना सुंदर एक शेर वो यहां कहते हैं कि सूंघ कर कोई मसल डाले तो ये है गुल की जीस। गुल फूल को कहते हैं जीस, जीवन। सूंघ कर कोई मसल डाले तो ये है गुल की जीस, मौत उसके वास्ते टहनी पे मुरझाने में है। मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद और अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं। बहुत से यहां पर लोग आए जिन्होंने मेरे बारे में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कही, उम्र का तकाजा भी दिलाया उन्होंने मुझे, और मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि मैं इस लायक नहीं हूं, बस अपने आप को बहुत ही एक साधारण सा व्यक्ति समझता हूं, एक छोटा सा अंश हूं मैं इस अपने फिल्मी उद्योग में, और यदि हमारे कर्मों से या हमारे चेहरे से या हमारी आवाज से समाज के अंदर कुछ बदलाव आ सके तो उसमें मैं हमेशा कार्यरत रहूंगा। जो दूसरी किताब का या पुस्तक का विमोचन हुआ मुंबई ट्रैफिक को लेकर के, उसके ऊपर कई वर्षों से मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ वार्तालाप करता रहा, उनसे कहता रहा कि हमें कुछ करना चाहिए। यदा कदा कभी मैं जब मुंबई की सड़कों में खुद गाड़ी चलाता हूं तो बड़ा दुख होता है देख करके कि लोग कोई सिग्नल नहीं देखते, या लाइन जो बनी हुई है जीब्रा क्रॉसिंग उसके पार कर जाते हैं, सिग्नल तोड़ के चले जाते हैं और कष्ट होता है। और कई सालों से मैं उनसे कह रहा हूं कि आप हमारी आवाज को, हमारे चेहरे को इस्तेमाल कीजिए ताकि हम कुछ बना सके और समाज को सिखा सकें। आज जब पुस्तक बनी और अभी जब हम यहाँ इंतजार कर रहे थे मंच पर आने के लिए, तो भजंकर साहब ने कहा कि ये पुस्तक है और आज इसका विमोचन आपको करना है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपके ऊपर दबाव डालने के लिए कर रहा हूं ताकि जो आपने वचन दिए हैं उसको आप पूरा करें। तो मैंने उनसे कहा कि दबाव तो मैं आप पे डाल रहा हूं, आप कुछ कर ही नहीं रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द हम सब मिल करके एक कुछ ऐसी
एडवर्टीजमेंट करेंगे या अपनी बातें व्यक्त करेंगे ताकि जो मुंबई का ट्रैफिक सिस्टम है वो सुधर सके। एक बार फिर आप सब लोगों का अनेक अनेक।